आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। सबसे पहले चिकन को धो लें और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। सब चिकन को एक बाउल में डालकर उसका नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट एक चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी थोड़ा, धनिया आधा चम्मच, थोड़ा गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच दही, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाया जाए। इसको अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा फूड कलर, इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। ये हमारा मिलकर रेडी हो चुका है चिकन, अब इसको हम तलेंगे। अब हमारी चिकन मैरिनेट होकर रेडी तैयार होकर आ गई है, अब इसे हम तेल में तलेंगे। शेलो फ्राई होने तक हम इसको तलेंगे तेल में, और धीरे धीरे करके सारी चिकन जो है वो तेल में हम डाल देंगे। चिकन शेलो फ्राई हो गई है, अब इसको हम पलटकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले तपेली के अंदर एक बड़ा चम्मच तेल जो है डाल दिया जाए, थोड़ा और तेल डाल देंगे, और उसके बाद दो लाल मिर्च इसके अंदर डाल के एक तेजपत्ता, ग्रेवी तैयार करने के लिए तज की लकड़ी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची डालकर सबसे पहले पकाएं। उसके बाद प्याज को पीस लिया हमने, और उसके बाद इसको पेस्ट जो इसके अंदर डाल के और उसको अच्छी तरीके से हिलाएं। उसके बाद जो है टमाटर और मिर्च को अच्छी तरीके से हम मिक्सर में पीस लेंगे और उसका पेस्ट जो है मिला, टमाटर का और मिर्च का पेस्ट तैयार हो जाए, जो उसके बाद हम उसको अंदर मिक्स कर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। उसके बाद दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच आधा नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया और आधा चम्मच जो है, और लास्ट में जीरा और काली मिर्च का पेस्ट आ गया है। अब इन सारे मसालों को हम पतीली में डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि मसाला जो है हमारा जो है पक कर अच्छी तरीके से भुन जाए, रेडी हो जाए। उसके बाद थोड़ा आधा चम्मच दही हमने डाल दिया है। मसालों को हमने धीमी आंच पर पकने को छोड़ दिया था। अब हमारा मसाला जो है वो रेडी होकर तैयार हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन टिक्का जो हमने टिक्का किया हुआ है उसे हम ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। चिकन को हमने मिला लिया है और अब इसको हम धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हमारी चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से पककर रेडी हो गई है, तो आप लोग देख सकते हैं चिकन टिक्का मसाला।